आम टीवी ओडिशा रे आपन स्वागत करछि। आज आपन को डिटेल्स रे एक्सपोर्ट विषय रे किछि कहिबी। तो आज टॉपिक हैला ईआईसी यानी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी विषय रे कहिबी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ईआईसी विषय रे कहिबी। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल कोड ता विषय रे आपन डिटेल्स रे कहिबी। जदि आपन एक्सपोर्ट करुछंती, एक्सपोर्ट जेतेबेले करुछंती आपन फूड प्रोडक्ट करुछंती, खाइबा जिंस करुछंती, सेते पई आपन को एक्सपोर्ट करने पूर्व बहुत सारे फॉर्मालिटीज पास करवा पड़े। जमीती आपण कौन सी जिनस कौन सी प्रोडक्ट को मेनली फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर इंडिया भितर, इंडिया भितर जो आप कौन सी जिनस बनाऊँच आप फैक्ट्री रे फूड प्रोडक्ट को बनाऊँच मसला हो आपर एनी काइंड ऑफ फूड आइसक्रीम हो पानी हो जी सब फूड प्रोडक्ट बनाऊँच जेटा ह्यूमन मानने मनीष खाऊ जो टाइप प्रोडक्ट को आम खाऊ मनीष खाऊँ इंडिया भितर जो आम आप बनइबे फैक्ट्री रू बनला बेले आपन को फसाई एफ आप देखते हैं एफ एस एस ए आई फसाई फसाई डिपार्टमेंट रू आपन को गोटे लाइसेंस बाहर करा पड़े। सेटाला आप प्रत्येक फूड प्रोडक्ट आप देखे प्रत्येक फूड प्रोडक्ट आप देखे फसाई सो फसाई फसाई विषय कहूँ एफ एस एस ए आई फसाई फसाई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया गोटे डिपार्टमेंट गोटे बॉडी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो, से माने जो कौनसी फूड प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर इंडिया भितर सप्लाई करने से माने तार फूड रो प्रोडक्ट को सैंपल को से माने लैबोरेटरी रे टेस्ट कर सांती फूड रो सेफ्टी कौन अच्छी क्वालिटी कौन अच्छी ह्यूमन बॉडी को मनुष्य देह को गलापर किसी क्षति कर कि नहीं से माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फसाई डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से माने चेक कर थांती एफ ए एस एस ए आई। आपन जदि पानी बोतल मसला आइसक्रीम जेकोनसी फूड प्रोडक्ट आप नियंतु किंबा कोनसी आलू रो चिप्स नियंतु सेतरे गोटे फसाई रो आप मनोग्राम देखेदेली लोगो देखेदेली तो फसाई रोटे लोगो देखेदेवे एफ ए एस एस ए आई फसाई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ ए एस फसाई। तो फसाई लाइसेंस बहुत जरूरी इंडिया भितर डोमेस्टिकली जिते बेले आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फैक्ट्री रे एंड सप्लाई करेंगे विदाउट फसाई विदाउट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन रे आप कौन सी फूड प्रोडक्ट को इंडिया भितर सेल करें ना मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करें ना। से भाया इंटरनेशनल ट्रेड रे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रे इंटरनेशनल ट्रेड रे जिते बड़े एक्सपोर्ट हुए जिते बड़े आप इंटरनेशनल मार्केट रे इंटरनेशनल ट्रेड रे एक्सपोर्ट करती एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तेणु जो एक्सपोर्ट करने पूर्व आपण फूड प्रोडक्ट को केमी ऑथराइज किए कर आपंकर इंस्पेक्शन एजेंसी इंडिया रो ईआईसी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ईआईसी ईआईसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रो गोटे बॉडी गोटे डिपार्टमेंट अच्छी ईआईसी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से है गोटे बॉडी गोटे डिपार्टमेंट अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रो। तो मुझे देखेदे तार वेबसाइट देखेदे आप तले देखु तो ईआईसी आपको लिखी निपर रफ खाता यानी आपणकर जे नोटबुक लिखी नि लैपटॉप रे आपण कंप्यूटर लिखी ईआईसी रो माने कौन ईआईसी है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे बॉडी गोटे डिपार्टमेंट। तो ये कौन करते जे ईआईसी रो बड़ बड़ ऑफिस हेड ऑफिस अच्छी न्यू दिल्ली आउ अदर ऑफिस अच्छी कलकत्ता कलकत्ता मुंबई चेन्नई कोची केरला कोची ये सब एरिया ब्रांच ऑफिस अच्छी ओडिशा रे भुवनेश्वर रे अच्छी पटिया एंड नयापल्ली अच्छी आप गूगल रे मारिक देखेदेवे कौटे अच्छी। तो ईआईसी रो काम है पाखे बहुत सारे लैबोरेटरी अच्छी लैब अच्छी तो से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को से चेक करते। तो एग्जांपल आपण कौन सी प्रोडक्ट को आप इंडिया रो फूड प्रोडक्ट को बनइले एक्सपोर्ट करने बनला तार जे सैंपल को ईआईसी नब ईआईसी नहीं कि चेक कर कि ह्यूमन बॉडी मनुष्य देह को किसी क्षति हम कि ना। तो एग्जांपल आप देखिथे सुखुआ सुखुआ देखिथे सुखुआ आपड़ी किसी दिन रखिए सुखुआ भितर पोक लगे जाते आपड़ जेकोसी जिनस रखिए पैकिंग करके रखला पर भी ताकि पोक लगे जाते से एक्सपोर्ट करने पूर्व एक्सपोर्ट रो जे पैक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनवा पूर्व बनला पैकिंग पूर्व तार सैंपल को ईआईसी नहीं कि लैब्रे चेक करेंगे चेक कला से देखिए आ भर कि
आई मीन कीटाणु या जीवाणु किसी जात होती कि ना जहाँ कि ह्यूमन बॉडी पे क्षति कर एग्रो फूड रे कौन हुए एग्रो फूड रे राइस है बहुत सारे प्रोडक्ट है आपणकर मुड़ी मुड़ी है राइस है बहुत सारे प्रोडक्ट एग्रो फूड रे डाली जातीय प्रोडक्ट है से कौन हुए आप पैकिंग करके पठाईदे किसी दिन भर पोक लग जाते से जेकोसी फूड प्रोडक्ट अच्छी एग्रो फूड प्रोडक्ट अच्छी गोटे देश अन्य देश गलापर से भल भाव चेक करते ईआईसी ईआईसी दरकार पड़े सर्टिफिकेशन दरकार पड़े कारण गोटे एग्रो प्रोडक्ट मंजी जातीय प्रोडक्ट सीड्स वगैरह गोटे देश अन्य देश गलापर जदि से देश में पहुँच के पोक लगे जाए स्प्रेड हो जाए देश क्षति कर ईआईसी सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी तो मेनली सी फूड एक्सपोर्ट जो मैंने करे लैब जे फैक्ट्री रे से प्रोसेस कलापर पैकिंग जो तार सैंपल को ईआईसी रो लैब नहीं कि ईआईसी रो लैब लैबोरेटरी नहीं कि चेक करेंगे एग्जामिन करेंगे टेस्ट करेंगे कि भितर कौन सी प्रॉब्लम अच्छी कि ह्यूमन बॉडी पे कि क्षति हे कि चेक कलापर से सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे से सर्टिफिकेट दरकार हे एट द टाइम ऑफ शिप डिपार्चर माने से सर्टिफिकेट दरकार पड़ो आप पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पोर्ट रे जे कस्टम डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट देखिए ऑल्सो से सर्टिफिकेट दरकार पड़ो आप डेस्टिनेशन रे एग्जांपल आप अमेरिका एक्सपोर्ट करते तो अमेरिका आप शिप जीव मुंबई टू अमेरिका मुंबई टू न्यूयॉर्क जीव तो मुंबई रे पोर्ट रे भी चेक हम आउ न्यूयॉर्क रे पोर्ट रे भी से सर्टिफिकेट से देखिए से ईआईसी सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी आपण जदि अंडा एक्सपोर्ट करसपोर्ट करस मीट एक्सपोर्ट कर हनी यानी महु एक्सपोर्ट कर गुड़ महु एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट एनी काइंड ऑफ फूड एनी काइंड ऑफ खाना पीना आपण एक्सपोर्ट कर तार ईआईसी काउंसिल सर्टिफिकेशन दरकार हे से आप जो भी जदि आपण पार फैक्ट्री ना आप जो भी आप सोर्स करेंगे खाना पीना प्रोडक्ट को सोटी से फैक्ट्री को कहे आमको ईआईसी सर्टिफिकेशन दरकार हे तो से कौन करेंगे फूड प्रोडक्ट रेडी होगापर ईआईसी को इनफर्म करेंगे ईआईसी सहित रजिस्ट्रेशन करवा दरकार ईआईसी सहित रजिस्ट्रेशन होगापर से ईआईसी को कहे ईआईसी ऑफिसर्स आसवे ईआईसी लोक आसिक कि आपड़ नहीं ईआईसी को देवे लैब्रे दे प्रडक्ट आम एक्सपोर्ट करूँ तो से फुड प्रडक्ट को या फुड या बेवरेज खाना पीना कौन सी प्रोडक्ट की से चेक करेंगे एग्जामिन करेंगे टेस्ट करेंगे ता भितर कौन सी प्रॉब्लम ना ह्यूमन बॉडी पे से देखिए कौन सी प्रॉब्लम ना जदि पास होगा आप प्रोडक्ट को से सर्टिफिकेट देवे सर्टिफिकेशन देवे से सर्टिफिकेट को दरकार पड़ो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट तो मुझे डिटेल्स कहीदी जब आप एक्सपोर्ट करती गुड़ हनी महु मांस एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट खाद्य आउ पानीय प्रोडक्ट एनी प्रोडक्ट आपण ओडिशार भारत एक्सपोर्ट करेंगे तो आपण को ईआईसी काउंसिल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंसिल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल रु आपण को दरकार पड़ो सर्टिफिकेशन ठीक अच्छे तो मुझे गोटे पर गोटे आपण को कही चली आपण को एक्सपोर्ट करने कौन कर पड़ो तो जदि आप एक्सपोर्ट करने चाहते तेल मो वीडियोस को आप देखते अर्ली मॉर्निंग रे आप मो वीडियोस आप आसीज आप डेली मो वीडियोस एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस को देखिए आप जापर कमी एक्सपोर्ट हुए तो मुझे डेली बेसीस मोर वीडियोज आसो आप डेली वीडियोज देखिए आप जापर कमी एक्सपोर्ट हुए केमी एक्सपोर्ट जदि आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते दुटा वेबसाइट है www.trademyproduct.net एंड iitvn.com दुटा साइट आप जाकि पढ़ीपारे इंटरनेशनल ट्रेड आउ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट विषय में बहुत सारे इनफॉर्मेटिव राइटिंग्स इनफॉर्मेटिव पब्लिशिंग होती दुटा वेबसाइट आप देखिपारे कि जितने टाइम अच्छे मैं वीडियोज भी देखिए कि आप जापर एक्सपोर्ट केमी हुए इम्पोर्ट केमी हुए जदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फिलहाल आम ट्रेनिंग तो ना यदि आप कनसल्टासी आपको दरकार आप मतलब कंटाक्ट करें आम आपको हेल्प करूँ केमी आप सक्सेसफुली गोटे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी स्टार्ट करेंगे इन ओडिशा कि इंडिया आशा करम वीडियो आपको भल लगे वीडियो को सब्सक्राइब करूँ ताकि बहुत सारे इनफर्मेटिव वीडियोस आपण आनी पारे थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय जगन्नाथ।